Good morning students. In this video we are going to see some sentences where you have to fill these or those. These use karna hai ya or aana chahiye yahan pe and nahi. These or those. Okay? These those use karna hai is sentences mein. So let's see one by one. सो ये इसे देखने से पहले आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें दीज और दोज की क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. सी देर आर टू पिक्चर्स गिवन. दीज आर प्रिटी फ्लावर्स. सो ये जो यहाँ पे दीज यूज़ किया, वाई वी हैव यूज्ड दीज हेयर. दीज आर क्यों? क्योंकि द फ्लावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गर्ल. ये जो लड़की के पास है फ्लावर्स, तो इसलिए दीज. बट इधर देखिए, दोस आर बलून्स. ये जो बलून्स दूर है ना बलून्स दूर है, तो इसलिए दोस आर. सो बहुत सारी चीज़ के लिए हम दीज या दोस यूज़ करते हैं. बहुत सारी चीज़ या मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा जो है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड एंडलेस. तो उसके लिए हमें दीज या दोस यूज़ करना है. बट अगर वो थिंग्स पास में है या पर्सन्स पास में है या एनिमल्स पास में है तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे. अगर दूर है तो दोस यूज़ करेंगे. बार बार समझा रही हूँ, कन्फ्यूशन मत होना, ठीक है. अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज आर दोस. सो यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स विथ दीज आर दोस. लुक एट द पिक्चर. डैश आर ब्राइट काइट्स. ये जो काइट्स हैं कहाँ पर है? देखो सन है, मतलब ये काइट्स ऊपर है आसमान के पास, आसमान में है ना, ऊपर है, बहुत दूर है. तो क्या आना चाहिए? दीज, सॉरी दोस. दूर है ना, तो दोस. बहुत दूर है तो दोस. टी एच ओ टी कैपिटल है, टी एच ओ एस ई दोस. ओके, अब ये जो पेंसिल्स देखिए, डैश आर माई पेंसिल्स. ये मेरे पेंसिल्स हैं, मेरे पास है. सो जो पास के लिए these. okay, clear? okay, now let us fill these sentences. dash are bags. bags पास में है, दूर नहीं है, पास है ना. पास के लिए क्या use करना है, these या those? these. here I can use a sketch pen. These are bags. ये सारी bags हैं. Dash are birds. The birds are flying in the sky. They are very far away from me. बहुत दूर है birds. So अगर बहुत सारी birds हैं और सारे birds दूर है, तो उसके लिए those. Okay? These dots clear है ना? अब देखिए, वन बाय वन मैं लिखूंगी नहीं, आपको लिखना है, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगी. ये जो एरो मार्क से ही पता चल रहा है, ये जो हट्स हैं बहुत दूर है. और ट्रीज पास में है या दूर? ठीक है. क्लाउड्स तो हमेशा आसमान में होते हैं, बहुत दूर होते हैं. तो उसके लिए चाहे पिक्चर में दूंगी या नहीं दूंगी, फिर भी आपको समझना चाहिए. क्लाउड्स के लिए दो से आएगा. डैश आर मैंगोस. ये जो ट्री है, ट्री में मैंगोस है, बहुत दूर है वो भी. दोज आर मैंगोज. बहुत दूर में पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ. डैश आर टेबल्स. देखिए पिक्चर देखिए. दो डैश आर एंट्स. एंट्स कहाँ पर है, पास है या दूर? डैश आर बोट्स. बहुत दूर पानी में बोट्स मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, दूर है. डैश आर बुक्स. ये बुक्स पास में है. सो आप ये सारे सेंटेंसेस को रफ कॉपी में लिख के सोच समझ के, पहले सोचना है फिर बाद में लिखना है. ओके, आंसर्स, राइट द आंसर्स. बट रिमेंबर टू राइट, स्टार्ट द सेंटेंस विथ कैपिटल. इधर मैम स्मॉल ही देंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में है ना, दीज और दोज वर्ड्स. तो इसलिए मैं इधर ये टी स्मॉल टी दी है मैंने, लेकिन आप जब लिखेंगे कैपिटल टी के साथ स्टार्ट करना. ओके, वेरी गुड. That's all for today. Thank you.